हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है कार्तिका, आप लोग देख रहे हैं कार्तिका की रसोई। आज हम आपको बताने वाले हैं घर पर मसाला डोसा कैसे बनाते हैं। तो चलते हैं, मैं अपना वीडियो स्टार्ट करती हूँ। ये हमने एक कटोरी सूजी ली है, तो इसको मैं ददरी पीस लेंगे। ये हमने एक चम्मच गेहूं का आटा लिया है, इससे अपन रोटी बनाते हैं। एक चम्मच छोटी मैंने बेसन लिया है चने का, तो मैं इसको भी मिला देंगे और इसको हम पीस लेंगे। मैंने दो तीनों चीज़ों को मैंने पीस लिया है, मिक्सर कर दिया है इसको। तो मैं इस कटोरे में निकाल लेंगे। और इसमें अब हम डालेंगे थोड़ा सा नमक, नमक अनुसार डाल सकते हैं। तो मैं इसको मिला देंगे और इसमें अब हम डालेंगे मठा। अब मैंने मठा लिया है, दही हो तो दही भी यूज कर सकते हैं और नहीं मठा भी हो तो मठा से भी गूर सकते हैं। तो मैं इसको अच्छा गूर बनाएंगे। मैंने अच्छे से घोल को फेंट दिया है। अब मैं 5 मिनट के लिए इसको रख देंगे, तब तक मैं अपना मसाला तैयार कर लेंगे। हमारा तेल गरम हो गया है, अब इसमें हम डालेंगे सरसों की राई। इसको अच्छे से चटकने देंगे और इसमें डालेंगे हम एक हरी मिर्ची कटी हुई बारीक, और इसमें हम डालेंगे बारीक पिसा हुआ अदरक और ये एक हमारी प्याज कटी हुई, और इसको मैं अच्छे से कर लेंगे। और इसमें हम डालेंगे कड़ी पत्ता, उनको भी मैं अच्छे से कटक ले लूँगी इनको। अब इसमें हम डालेंगे नमक और हल्दी पाउडर और थोड़ी सी मिर्ची पाउडर। मैंने अच्छे से मसाले दिए और उनको मैं अच्छे से मिला दिया। मैंने अच्छे से मिला दिया है, अब इसको मैं ठंडे होने देंगे। गैस को बंद कर देंगे अपनी को, इसको मैं ठंडे होने देंगे थोड़ी देर तक। हमारा बैटर बनके तैयार है। मैं 5 मिनट हो चुके हैं, तो मैं इसमें डालेंगे पानी। मैं इसको पतला बनाएंगे। अब मैं अपने इसमें डालूंगी सोडा, तो मैं इसमें सोडे को मिला लेंगे, खाने वाला सोडा है। ये मैंने तवा लिया है डोसा वाला, मैंने कम गैस करी है, तो मैं इस पे डालूंगी तेल। तो मैं इस तेल को अच्छे से अब इस पे हम डालेंगे पानी। तो इसको मैं पानी डाल के मैंने तवा ठंडा कर लिया है। अब इस पे हम डालेंगे डोसे को, तो मैं गैस तेज कर लेंगे। इसको मैं अच्छे से पसार देंगे, पहले मैं बीच में से ही पसारना है, बिल्कुल पतरा कर दिया मैंने। और मेरा डोसा का कलर चेंज हो रहा है। और इस पे हम डालेंगे चम्मच से थोड़ा थोड़ा तेल, मैं इस पे या मसाला लगा सकते हैं और नहीं मैं ऐसे ही उपाट सकते हैं। मेरा डोसा बिल्कुल उपट गया है, तो मैं इस पे मसाला भी लगा देंगे साथ में।
हैं इसको इस तरह से पलट लेंगे। हमें इसको उठा दूसरा भी दूसरा डाल दिया है, इसको मैं इसी तरह से उठा लेंगे। कलर भी हमारा चेंज हो गया है इसका। मैं इसको इसी तरह से पलट देंगे। हमारा डोसा मसाला बनके तैयार है। हमारे बच्चों को बहुत पसंद है डोसा मसाला, तो मैं अपने बच्चों को खिलाते हैं। आप चाहो तो सांभर से भी खा सकते हैं, सॉस से भी खा सकते हैं। तो मेरे बच्चे को बहुत पसंद है और बहुत ज़्यादा खाते भी हैं। अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर जरूर करें।